सुधांशु महाराज के आयोजित कार्यक्रम स्थल पर भक्तजनों के द्वारा प्रतिदिन शाम को संकीर्तन करके उन्हें नमन किया जा रहा है। तो वहीं मुरादाबाद पहुंचने पर उनके भव्य स्वागत की भी तैयारी की जा रही है। विश्व जागृति मिशन के तत्वाधान में आयोजित होने वाले विशाल भव्य कार्यक्रम को लेकर आज कार्यक्रम स्थल पर महिला सदस्यों के द्वारा भजन संकीर्तन का आयोजन किया गया। तो वहीं विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट के प्रधान भी अपने सभी सहयोगियों के साथ उपस्थित रहे। आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि प्रतिदिन शाम को महाराज जी का संकीर्तन करके उन्हें नमन किया जा रहा है और उनकी आरती की जा रही है। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद सभी पदाधिकारी और भक्तजनों का यह कहना है कि महाराज जी का बेसब्री से इंतजार है और हम सभी उनके भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर भजनों का गायन किया गया। हमारे पूज्य गुरुवर सुधांशु जी महाराज मुरादाबाद की जनता के बहुत अनुनय विनय के कारण और हमारे सभी गुरु दीक्षित भाई बहनों की अनुनय विनय के कारण यहाँ पर पधार रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। कल परसों दोपहर 11 बजे तक उनका पदार्पण मुरादाबाद शहर में हो जाएगा। पुष्पांजलि में उनका निवास स्थान है, वहाँ से हम ये चाहते हैं कि एक प्रेस वार्ता आप अवश्य उनसे करें 3:30 बजे। तत्पश्चात गुरुजी 4:30 बजे से यहाँ पर पंडाल में आएंगे, अपने प्रवचन से अपने उपदेशों से यहाँ की मुरादाबाद जनता को लाभान्वित करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे मुरादाबाद के लोगों को, किस तरह का निमंत्रण देंगे? मुरादाबाद की जनता से हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर अवश्य पधारें, हमारे गुरु के उपदेशों को सुने, वचनों को सुने, उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। हमारे गुरुवर अधिकतर गीता के ऊपर ही उपदेश देते हैं। गीता हमारे सर्व ग्रंथों में सर्वमान्य और सबसे मुख्य ग्रंथ हमारा गीता ही रहता है। सारा निचोड़ हमारे सभी ग्रंथों का गीता ही है और गीता के ऊपर ही हमारे गुरुवर उपदेश दे करके सभी को लाभान्वित करते हैं।